हेलो दोस्तों, आपका स्वशन का चैनल में कहो कैसे हो आप। आज के वीडियो में हम आप लोग साथ शेयर करने जा रहे हैं निमोना की रेसिपी। निमोना तो हम अक्सर हरे मटर से बनाते हैं, पर आज हम निमोना काले चने से बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है। तो चलिए हम आपको ले चलते अपने किचन में और दिखाते हैं यह निमोना हम कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए हमने 2 कप के लगभग चना लिया था। चना को हमने रात भर के लिए पानी भिगो कर छोड़ दिया। सुबह चने अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर हमने आधे चने को बॉईल कर लिया और आधे चने को हमने ऐसे कच्चे साबुत रहने दिया। तो आपको भी इसी तरीके से आधे चने को बॉईल करना है और आधे चने को ऐसे ही कच्चा रहने देना है। अब ये जो कच्चा चना है ना, इसे हम पानी से छान लेंगे। पानी से छानने के बाद चने को मिक्सर जार में डाल दीजिए। थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच लगभग पानी डाल दीजिए, या फिर जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से पानी डालकर चना को आपको एकदम बारीक पीस लेना है। एक बार चना को इस तरीके से बीच में चलाकर देख भी लेना है। आप देख सकते हैं चना भी बारीक नहीं पीसी है। फिर इसे हम दोबारा फिर बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने चना को 2 बार में एकदम बारीक पीस लिया है। इस तरीके से उंगलियों से हम मैश कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं चना एकदम बारीक पीसी है। तो आपको भी ऐसे ही चना को एकदम बारीक पीस लेना है, मोटा दरदरा नहीं रखना। फिर यहाँ हमने ले लिया है प्याज, कुछ लहसुन, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च है, 2 टमाटर है। तो प्याज की मात्रा आपको कम रखनी है। अब इन सबका हम पेस्ट बनाना है। गैस जला कर कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप अपने किचन में यूज करते हैं। तो तेल हमने 3 चम्मच लगभग लिया, तेल भी गर्म हो गई। तो यहाँ हमने डाल दिया है हींग। अब डाल देंगे यहाँ तेजपत्ता। अब आपको यहाँ पे डाल देना है 1/2 चम्मच लगभग जीरा। जीरा हल्की सी लाल हो गई है। अब आपको यहाँ पे डाल देना है कटे हुए आलू। तो 4 छोटे साइज़ के आलू थे। आलू को छिलके निकाल कर आलू को हमने छोटे साइज में कट कर लिया। आलू को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को लो टू मीडियम करेंगे और एक बार चलाने के बाद कढ़ाई को प्लेट से ढक देंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तब तक हमें भूनना है जब तक आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहे तो कच्चे आलू की जगह बॉयल आलू भी ले सकते हैं, लेकिन बॉयल आलू को भी आपको हल्का सा फ्राई करना है। तो इस तरीके से हमने कढ़ाई को ढक दिया। फिर थोड़ी देर बाद हम प्लेट हटा देंगे और चलाते हुए हम इसी तरीके से हम आलू को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। आप आलू को ढककर पकाएंगे, ढककर भूनेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और समय कम लगती है। अब यहाँ पर आपको डाल देना है लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद इसे भी मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। एक बार चला देते हैं। यह मिला लिया है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम कढ़ाई को प्लेट से ढक देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, लेकिन बीच में आपको इसे 1 से 2 बार चला भी देना है। तो बीच में हमने 1-2 बार चला भी दिया था, आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भुन चुकी है। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं है और आलू भी प्याज के साथ भुनकर अच्छे से पक चुकी है, यानी आलू में कच्चापन अब बिल्कुल नहीं है। तो आपको भी इसी तरीके से प्याज और आलू को मिक्स करके भून लेना है, पका लेना है। जब प्याज और आलू अच्छे से भुन जाए, पक जाए, तब आपको यहाँ पे डाल देना है टमाटर का पेस्ट। टमाटर पेस्ट डालने के बाद अब आपको मसाले डालने हैं। 1 चम्मच यहाँ हमने गर्म मसाला ले लिया है। 1/2 चम्मच यहाँ हम डाल देंगे जीरा पाउडर। तो मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1/2 चम्मच लगभग हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर। अगर आपको लगे हल्दी कम है तो थोड़ी सी हल्दी और डाल दीजिएगा। 1 चम्मच लगभग हमने डाल दिया है यहाँ पे धनिया पाउडर। तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए आलू के साथ। हमने आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद है, आप यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई को प्लेट से ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाला को अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक मसाला में से तेल न दिखने लगे, लेकिन प्लेट हटाकर बीच में आपको इसे 2 से 3 बार चलाकर देख भी लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला को हमने अच्छे से भून लिया है और मसाला में से तेल दिखने लगी, यानी मसाला अच्छे से भून चुकी है। अब आपको यहाँ पर डालना है 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालकर इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लिया, मसाला को भी हमने अच्छे से भून लिया। अब आपको यहाँ पे डाल देना है चना का पेस्ट। चना का पेस्ट सबसे लास्ट में डालना जब मसाला अच्छे से भून जाए। अब आपको डाल देना है 1/2 गिलास के लगभग पानी।
पानी डालकर अच्छे से मिक्स करिए। गैस को तेज बिल्कुल नहीं रखना है, गैस को आपको लो टू मीडियम रखना है और लगातार चलाते रहना है, क्योंकि जो चना है ना बहुत ही जल्दी कढ़ाई से चिपक जाती है, इसलिए आपको लगातार चलाते रहना है। तब तक चलाइए जब तक यह डो की तरह इकट्ठा न होने लगे। आप यहाँ देख रहे धीरे धीरे ये गाढ़ी हो रही है, हलवे की तरह बनने, ऐसे ही आपको लगातार चलाते रहना है। अगर आपने गैस को तेज़ कर दिया ना तो नीचे से जल जाएगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से चलाते जाइए और ज़्यादा चिपक रही है तो आप यहाँ पे आधा चम्मच लगभग थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तेल का यूज़ नहीं करें क्योंकि हमने गैस को लो टू मीडियम ही रखा है। और इसी तरीके से इसे हम लगातार चला रहे हैं। आपको देखने से लग रहा है कि हमारे चना बहुत ही अच्छे से भुन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट में आप इस तरीके से चना को पेस्ट को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लीजिए। पेस्ट अच्छे से भून के चना का अब आपको यहाँ पे डाल देना है पानी। पहले हम 1 गिलास पानी डालेंगे, मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद फिर यहाँ पे हम पानी और डालेंगे, क्योंकि हम अगर एक ही बार में पानी डाल देंगे ना तो मिलाने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि चना की बहुत जल्दी गाँठें पड़ जाती हैं। तो पहले इस तरीके से पहले थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर दोबारा और पानी डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम दोबारा पानी डाल देंगे। पानी डालकर गैस को स्लो कर दीजिए, स्लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब चना पानी अच्छे से मिक्स हो जाए ना तब गैस को लो टू मीडियम करिए और लो टू मीडियम फ्लेम पे ढककर इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने आलू को भी अच्छे से पका लिया है, आलू में कच्चापन नहीं है। आप देख सकते हैं चना पानी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, गाँठें बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहाँ पर डाल देना है उबले हुए चने, जो हमने चना को बॉईल करके रखा था ना आप उसे डाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है चना की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो गई है आप थोड़ा सा चना बचा भी सकते हैं। तो आप हमने उबले हुए चने को भी डाल दिया। टेस्ट के हिसाब से आपको डाल देना है नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करना है। अब चना निमोना को प्लेट से ढक देते हैं। गैस को हमने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे पूरे 1 से 1.5 मिनट के लिए हम अच्छे से निमोना को पका कर तैयार कर लेंगे। पूरे 1.5 मिनट हो गए हैं। निमोना को हमने बीच में ऊपर चला भी दिया था, आप देख सकते हैं निमोना बनकर तैयार है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है निमोना ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए और निमोना को आप हल्का सा पतला कर लीजिए, जितना गाढ़ा पतला आपको पसंद हो। तो निमोना बन चुकी है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पत्ती, लेकिन सबसे पहले हम गैस को बंद कर देते हैं। धनिया पत्ती आपको थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है क्योंकि धनिया पत्ती का टेस्ट निमोना में बहुत ही अच्छा आता है। तो धनिया पत्ती हमने डाल दिया, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चना का निमोना बनकर तैयार है। आप इस निमोना के साथ रोटी पराठे या फिर चावल कुछ भी खा सकते हैं। यकीन माने बहुत ही औसम टेस्ट आएगा, बहुत ही लजीज टेस्ट आएगा। आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाओगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अगर आपको इस तरीके से चना नमूना बनाने का तरीका ये रेसिपी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।